नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई सिक्योरिटी में। आज हम लोग बात करेंगे NVR के सीरीज के बारे में। पिछले एक बार मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने आप सभी को बताया था कि POI NVR और नॉन POI NVR में क्या डिफरेंस है और आप POI NVR में क्या खासियत है, POI NVR को आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैंने बताया था, जो कि नॉमिनल जो है एक बेसिक डिफरेंस है। लेकिन POI NVR में भी बहुत तरह के सीरीज आते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सीरीज आते हैं, ई सीरीज आते हैं, आई सीरीज आते हैं, क्यू सीरीज, के सीरीज, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा जो है यूज़ करते हैं क्यू सीरीज और के सीरीज को। इसके बाद जो प्रो सीरीज जो आते हैं, स्मार्ट सीरीज जो 96 सीरीज में आते हैं, NX आई सीरीज में जो आते हैं, डीप माइंड लर्निंग वाले जो NVR आते हैं, इन सभी अलग अलग तरह के NVR हैं मार्केट में। तो हिकविजन के जितने भी तरह के NVR हैं, जो कि बेसिकली इसको जो है मैंने डिवाइड किया हुआ है फाइव कैटेगरी, विद इन फाइव कैटेगरी में जो जो NVR है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और कौन से NVR में क्या खासियत है इसको हम लोग समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक बार फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा एक और चैनल है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ट्रूटेक इन्फो, जहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करता हूँ। तो वहाँ पर जो है उसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वहाँ पे बिल बटन को भी हिट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं वैल्यू एक्सप्रेस पे। नॉमिनल जो हम लोग यूज़ करते हैं या फिर जो छोटे मोटे एरिया में, मान के चलिए कि जहाँ पर मान के चलिए कि 50 मीटर के डिस्टेंस में कैमरे को लगाना है, यहाँ पर जो है W सीरीज में आते हैं, 7W ऐसे करके सीरीज आते हैं। आप बहुत तरह ऐसे NVR के मॉडल को आप देखे होंगे जिसमें 7W से स्टार्ट होता है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह आपको ये दिख जाएगा, 7W से स्टार्ट होता है, या फिर लास्ट में E1 या E2 आता है। तो E1 या E2 वगैरह जो भी है, ये इकोनॉमिक NVR है। अब इस NVR में जो है जो ऑप्शन है 4 और 8 कैमरे का ही ऑप्शन है। इसमें 4 और 8 कैमरे को यूज़ कर सकते हैं, सपोर्ट अप टू 4 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल तक के कैमरे हैं इसमें यूज़ कर सकते हैं। H.265 वर्जन है, 2 चैनल ही 1080 पिक्सल पे फुल HD है, बाकी जो चैनल है वो फुल HD पे नहीं है। उसके बाद जो है आपका जो इनकमिंग है आपका 40 Mbps 4 चैनल में, और आपका 8 चैनल वाले में 60 Mbps इनकमिंग बैंडविथ है, और आउट गोइंग बैंडविथ जो 60 Mbps है। 6 TB जो है हार्ड डिस्क सपोर्ट करते हैं, और हार्ड डिस्क का जो ऑप्शन है सिंगल साटा में जो है अवेलेबल है। कुछ पुराने मॉडल ऐसे हैं जो कि डबल साटा में भी अवेलेबल है, लेकिन मैक्सिमम ये सिंगल साटा में अवेलेबल है। POI कैमरे इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये नॉमिनल है जिसको कि आप यूज करते आ रहे हैं, और 4 और 8 के लिए जो है जो छोटे मोटे एरियाज हैं वहां के लिए ये बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अब जो इसके बाद में बता रहा हूँ जिसको कि वैल्यू सीरीज कहते हैं, क्यू सीरीज और के सीरीज में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसमें आपका 4, 8, 16 चैनल तक के ऑप्शन आपके पास हैं, 32 चैनल तक के ऑप्शन भी आपके पास हैं जो कि ये नया आया हुआ है। 8 मेगापिक्सल तक कैमरा आप सपोर्ट करता है इसमें, यानी कि 4K सपोर्ट करता है। H.265 प्लस वर्जन है, 4 चैनल जो है वो फुल HD है, और आपका 40, 80 और 160 जो है इनकमिंग बैंडविड्थ Mbps की स्पीड है, यानी 4 चैनल में 40, 8 चैनल में 80 और आपका 16 चैनल में 160 ये है। और अगर आप इसको चले आते हैं 32 चैनल में, तो 32 चैनल में आपका 200 Mbps की स्पीड आपको मिलती है, बैंडविड्थ आपको मिलती है। इनकम आउट गोइंग बैंडविड्थ की बात करें तो आउट गोइंग बैंडविड्थ जो है वो आपका 80 Mbps ही है। हार्ड डिस्क जो है 6 TB तक सपोर्ट होता है इसमें, ईच पोर्ट जो 6 TB, और 1 और 2 दोनों हार्ड डिस्क का ऑप्शन है आपका, सिंगल और डबल का। अभी 4 हार्ड डिस्क का ऑप्शन भी आपका के सीरीज में आ गया। अब के सीरीज में जो है बैंडविड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो बैंडविड्थ के कारण जो है के सीरीज काफ़ी मार्केट में है, और के सीरीज जो है आपके रियल 4K पिक्चर भी देती है, जिसमें कि बैंडविड्थ के साथ साथ जो है आपका 4 HDD सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। और क्यू सीरीज को अवॉइड करें अगर आप 8 के ऊपर जाते हैं, तो 16 तक आप यूज़ कर रहे हैं तो आप कीजिए अगर आपका छोटा स्पेस है तो, लेकिन के सीरीज जो है आपका अपग्रेड वर्सन है क्यू और के। तो क्यू सीरीज थोड़ा सा सस्ता है और के सीरीज थोड़ा सा महंगा है। अब यूँ समझिए कि इकोनॉमिक सीरीज का जो डिफरेंस है वो आपको जो है 16 में ऑप्शन मिल रहा है क्यू का, ठीक है। अब इसके बाद अब बात आती है परफॉर्मेंस सीरीज, जो कि सबसे बेहतरीन सीरीज में माना जाता है। परफॉर्मेंस सीरीज आपका 8, 16 और 32 सीरीज में है। आई सीरीज जो है इसको कहते हैं, जो कि आपका 12 मेगापिक्सल तक कैमरे सपोर्ट होते हैं इसमें। H.265 प्लस का वर्सन है, 16 चैनल सारे जो चैनल हैं वो फुल HD सपोर्ट करते हैं, 40, 80 और 256 के Mbps की स्पीड है इनकमिंग की, और आउटगोइंग में 256 और 320 की आउटगोइंग बैंडविड्थ है। इसके बाद 2 से लेके 4 साटा पोर्ट है आपका इसमें सपोर्ट करता है।
ईच पोर्ट 12 TB हार्ड डिस्क सपोर्ट करता है। एक पोर्ट में 12 TB हार्ड डिस्क आसानी से यूज होते हैं इसमें, और POI का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है POI तक में। इसके बाद जो नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बाद में बात करूँगा। ये सारे जो इंटरप्राइज लेवल के हैं, अगर आपको जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे यूज़ करना है तो वहाँ पर इसके यूज़ को, यहाँ तक जो 32 चैनल तक जो है आपका, ये जो 3 सीरीज है मैंने आपको बताया, इसके बाद जो है वो हायर लेवल के सीरीज आ जाते हैं जिसमें कि आपका सुपर सीरीज आते हैं। सुपर सीरीज में 96 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर 16, 32, 64 का ऑप्शन मिलता है। जहाँ पर 32 से ऊपर अगर आपको जाना है तो 64 तक आपको जाना है, या 50 IP कैमरे लगाने हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आपका 12 MP तक कैमरे सपोर्ट करते हैं, H.265+ है, 16 चैनल फुल HD सपोर्ट करते हैं, 256, 320 और 320 इनकमिंग बैंडविड्थ सपोर्ट करते हैं इसमें, स्पीड है इसका, और आउटगोइंग बैंडविड्थ जो है ये भी आपका 320 आउटगोइंग बैंडविड्थ है, 8 SATA पोर्ट है इसमें, 12 TB यानी 12 TB हार्ड डिस्क जो है ईच पोर्ट में सपोर्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है, चूंकि ये इंटरप्राइज लेवल की सीरीज है, रेड इसमें है। रेड क्या होता है? रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्क। ये आपका जो है अलग अलग तरीके से जो रिकॉर्डिंग फुटेज है आप डिस्क में डिवाइड कर सकते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी है जिस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए आपकी जो रिकॉर्डिंग फुटेज है इसमें जो 8 हार्ड डिस्क आप लगाएं तो आप इंडिपेंडेंट उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये एक चीज़ है जो कि बेहतर है, आप एक फुटेज को 2 हार्ड डिस्क में भी सेव कर सकते हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल का सीरीज है, जो 64 है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल का है सुपर प्रो सीरीज है, जो कि 96 सीरीज में ही सुपर प्रो सीरीज आते हैं, 64 कैमरा, 128 कैमरा, 256 कैमरे तक इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अब 256 कैमरे तक यूज़ करना तो काफ़ी हाई लेवल का प्रोजेक्ट हो, सिटी सर्विलेंस हो, यहाँ तक 12 MP तक के कैमरे सपोर्ट करते हैं इसमें, जो फेसियल डिटेक्शन एक्विस्टेंस वाले सारे कैमरे हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। H.265+ जो है ये आपका इसमें से वर्शन है, इनकोडेड है। उसके बाद 20 चैनल जो है आपका 1080 पिक्सल में है आपका। इसके बाद 512 से लेकर 768 तक जो इनकमिंग बैंडविड्थ है जो कि काफ़ी बढ़िया है। आउटगोइंग बैंडविड्थ भी आपकी इनका जो है वो 700 के आसपास है। 24 SATA हार्ड डिस्क इसमें सपोर्ट करते हैं, 10 TB हार्ड डिस्क जो है ईच पोर्ट जिसका सपोर्ट करता है, रेड की सर्विस इसमें भी दी हुई है। अब इंटरप्राइज लेवल की सीरीज है तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगी ही, जो कि आपके लिए जो है बेस्ट होगा। अगर आप 100 से ऊपर जाते हैं, 64 से ऊपर जाते हैं तो बेस्ट ऑप्शन आपका यहाँ इसमें 64, 128, 256 तक का ऑप्शन है, यह मैक्सिमम है। इसके बाद आता है डीप माइंड NX-i सीरीज की, जो कि लेटेस्ट है लॉन्च हुए NX-i सीरीज, जिसमें कि 32 कैमरे तक सपोर्ट करते हैं। इसमें सारे एक्विसेंस डीप माइंड जो लर्निंग वाले जो है, जो कि डिफरेंस कर सके, एक्विसेंस कैमरे में वीडियो में मैंने बनाया था आपको, तो वो डिफरेंस कर सकता है कि वो ह्यूमन है या फिर वो एनिमल है, वो सारे AI पर बेस्ड होता है। हाई लेवल के जो है पीपल काउंटिंग वगैरह कैमरे भी तो इसमें सपोर्ट करते हैं। ये लेटेस्ट जो लॉन्च हुए हैं तो ये आपका 12 MP तक कैमरे सपोर्ट होते हैं, 60 चैनल जो फुल 1080 पिक्सल है, 256 जो है इनकमिंग बैंडविड्थ है आपका, 8 SATA पोर्ट सपोर्ट करते हैं, और 12 TB जो है ये हार्ड डिस्क जो है आपका जो है किसी एक पोर्ट को जो है ये सपोर्ट करता है इन ईच पोर्ट। तो ये सारे सीरीज हैं NVR के जो मैंने आपको बताया, जिसमें कि आप अपने हिसाब से जो है ज़रूरत के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि आई सीरीज तक अवेलेबल होते हैं नॉमिनल मार्केट में, लेकिन इसके बाद जो 96 सीरीज या NX-i सीरीज या डीप माइंड लर्निंग वाले जो NVR हैं, ये NVR को आपको ऑर्डर करना पड़ता है, ये सिटी सर्विलेंस वगैरह में यूज़ होते हैं। और NVR के बारे में आपका काफ़ी सवाल था कि किस तरह के सीरीज आते हैं, कहाँ पर हमें कौन से सीरीज को यूज़ करनी चाहिए, तो मैंने इसके लिए इस वीडियो को बनाया था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो। धन्यवाद।